उदयपुर जिले के गोगुंदा में चक्रवात बिपरजॉय का असर चौथे दिन भी जारी है। जहां गोगुंदा पिंडवाड़ हाईवे पर पहाड़ों से मलबा व चट्टाने गिरने लग गई हैं, जिससे हाईवे पर आवागमन बाधित हुआ है और एक बाइक सवार चट्टान से टकरा गया। मिली जानकारी के अनुसार गोगुंदा पिंडवाड़ हाईवे पर उकलियात सुरंग, टाकनी घाटी, मालवा का चोरा व जसवंतगढ़ के हेरिटेज होटल के समीप पहाड़ों से मलबा व चट्टाने गिरी है, जिसके चलते गोगुंदा से अपने गाँव झुंझारपुरा जा रहे प्रकाश पिता मांगीलाल बंजारा, उसकी माता जुम्मा बाई और उसकी पत्नी अंजू देवी हेरिटेज होटल के समीप पड़ी चट्टान से जाकर टकरा गए, जिसमें तीनों घायल हो गए। ग्रामीणों ने आनंद फानंद में तीनों को गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। हाईवे पर चट्टाने व मलबा गिरने के बाद हाईवे टीम के भगत सिंह जाला, अपनी पूरी टीम व बेकरिया थाना अधिकारी मुकेश कुमार जाट मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और हाईवे पर पड़े मलबे को हटाने के प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोगुंदा क्षेत्र में तीन दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई और अभी भी बरसात का दौर जारी है। लोकल न्यूज़ वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।